कि हिमाचल में विकास की सारी योजनाएं ठप हो गई। जब आपने मुझे दिल्ली भेजा, मुझे जिम्मेवारी दी, मैं तो हिमाचल से बहुत परिचित था। यहां क्या करेंगे तो हिमाचल का भला होगा, हम क्या करेंगे तो हिमाचल के नौजवानों का भाग्य सुरक्षित होगा, ये मैं तो भली बात ही जानता था। हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई मैं हिमाचल को जानता हूं, ये 40 रुपये वाला निकालो, अब 90 रुपया भारत सरकार देगी, सिर्फ 10 रुपया टोकन हिमाचल को देना होगा। ये डबल इंजन की सरकार करती है भाई, तब हिमाचल आगे बढ़ता है। आज देखिए 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को मिल रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के तो सिर्फ नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट आज हिमाचल को चल रहे हैं। आज पूरे हिमाचल में 4 लेन नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटोर हो, पठानकोट, पालमपुर, गगल मंडी हो, ये प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे तो यहां आपके लिए सुविधा बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, आज जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल के युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं के लिए लगातार नए मौके बना रही है। अभी केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का अभियान चला रखा है। जैसे ही यहां भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल में भी रोजगार मेलों का अभियान तेज किया जाएगा। साथियों, हिमाचल का औद्योगिक विकास भी यहां रोजगार के नए अवसर बना रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिल रहे हैं। हिमाचल देश के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां ये उद्योग लग रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने यहां लोगों की सुविधाओं भी बढ़ाई है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। अब भविष्य ऑप्टिकल फाइबर के मजबूत नेटवर्क का है, 5G का है। हिमाचल के नौजवानों को, हिमाचल के जीवन को, हर क्षेत्र का कायप करने की क्षमता, ये कायाकल्प होगा 5G से होने वाला, 5G से होने वाला है। इसे दूर दराज के गांवों में भी शहर के स्कूलों की तरह ही अच्छी पढ़ाई सुलभ हो जाएगी। 5G से घर बैठे ही शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की जांच हो पाएगी, घर बैठे ही दवाएं मंगा पाएंगे। साथियों, हिमाचल को बने 75 साल हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक यहां सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, 2 मेडिकल कॉलेज थे। इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई के लिए तो स्कोप ही नहीं था। कांग्रेस को इतने साल अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। आज देखिए, हिमाचल में राज्य की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज है, IIIT है, IIT में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, IIM है, एम्स है, नए मेडिकल कॉलेज है। ऐसे अनेक संस्थान जो कभी हिमाचल का सपना होते थे वो आज हकीकत बन गए हैं। ये काम किसने किया, ये डबल इंजन सरकार का काम है, जिसका लाभ हिमाचल के युवाओं को, पूरी आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, भाजपा हिमाचल के युवाओं के उनके लिए निरंतर काम कर रही है। हिमाचल के लिए भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है उसमें भी इस पर भी फोकस किया गया है। हेरिटेज टूरिज्म, जो हमारे ये मंदिर है, ये तीर्थ है, ये कितनी बड़ी ताकत हिमाचल के पास है। जब इनका विकास होगा, यहां सुविधाएं बढ़ेगी, तो टूरिज्म का कितना विस्तार होगा। इतने साल यहां कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस ने हिमाचल की इस ताकत की बात की कभी? नहीं की, क्योंकि उसे ना तो हिमाचल के युवाओं की चिंता है, ना ही हमारी आस्था के प्रति उनकी आस्था है। साथियों, हिमाचल को हमें भविष्य के लिए भी आज ही तैयार करना होगा। आज देश और दुनिया से कितने लोग हिमाचल वर्क फ्रॉम
होम का लाभ लेने आगे आ रहे हैं। ये अधिकतर आईटी से जुड़े साथी हैं। अगर हिमाचल में ही अलग अलग क्षेत्रों में आईटी से जुड़े उद्यम लगे तो कितना फायदा होगा। हिमाचल में रिसर्च और इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है। देश की राजधानी से निकट होने के कारण यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। मुझे खुशी है कि हिमाचल भाजपा ने इस दिशा में भी संकल्प लिया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही है, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के दो दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्याएं आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं के हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृवंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना।